हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाएंगे जो कि बच्चों के स्वेटर और लेडीज़ जैकेट के लिए परफेक्ट है। और इसको आप स्कैलप पैटर्न भी कह सकते हैं क्योंकि ये नीचे से इस तरह से जाता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और फ्रेंड, इसको आप फर्स्ट रो से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो से मैं स्टार्ट करूँगी। और इसे बनाने के लिए हमें 22 का मल्टीपल प्लस 1 फंदे चाहिए। मैंने यहाँ पे 45 फंदे लिए हैं, 45 फंदे। तो देखिए, पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, दो फंदों को स्किप करेंगे, ये देखिए। फिर अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम दो फंदों को स्किप करेंगे, फिर अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदों को स्किप करेंगे और अगला फंदा हम बुन लेंगे। ये देखिए, दो दो फंदों को स्किप करके हमें उल्टा बुनना है। तीसरे को इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, लास्ट में है, लास्ट में हमारे पास दो फंदे हमने उतारे और ये लास्ट वाला फंदा, इसे हम बुन लेंगे। और फिर रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। रॉन्ग साइड की सारी रोज हमें जो है उल्टी उल्टी बुननी है। ये सेकेंड रो है। इन्हीं दो रोज को हमें तीन बार रिपीट करना है, यानी कि सिक्स रोज जो है वो इसी तरह बुननी है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। तो इस तरह से हम सिक्स रोज कंप्लीट कर लेते हैं पहले और फिर उसके बाद तब आगे बनाएंगे। सिक्स रोज कंप्लीट कर ली है। राइट साइड से जो फर्स्ट रो हमने बनाई थी, पहली सिलाई बनाई थी, वैसे ही हमने तीसरी और पांचवी बनाई है। थर्ड और फिफ्थ सेम बनाई है। और फिर रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुना है। अब देखिए, सेवन्थ रो है। सेवन्थ रो से हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ठीक, फिर ऊन हम आगे करेंगे, चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने सीधे बुने। अगला फंदा उतार के हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और दो फंदों को पीछे से हम एक करेंगे। देखिए, तो इसके बाद कैसे बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे। जब भी आप दो फंदों का एक करेंगे तो ऊन आगे करेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे ही हमें नौ फंदे बुनने हैं। देखिए, दो का एक, एक दो तीन चार पाँच फंदे हो गए। छठा सीधा, सातवां उल्टा, आठवां सीधा और नवा फंदा फिर उल्टा। ये हमने नौ फंदे इस तरह से बनाए। फिर उन पीछे करेंगे, दो फंदों को हम आगे की तरफ से एक करेंगे। अब फिर चार फंदे बुनेंगे। देखिए, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे बुनने के बाद अब हम ऊन आगे करेंगे और अगला फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ से अब जो हम बनाएंगे वो रिपीट पैटर्न होगा, जैसे हमने जहाँ से जाली डाली है वहाँ से रिपीट पैटर्न होगा। देखिए, एक बार फिर ऊन आगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर अगला फंदा उतारेंगे, इसे सीधा करेंगे और दो फंदों को पीछे से, देखिए रॉन्ग साइड की तरफ से एक करेंगे। और फिर नौ फंदों को एक उल्टा। जब भी दो फंदों का एक करेंगे पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड द लास्ट नाइन। ये देखिए, नौ फंदे हमने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बुना, उन पीछे। अब दो फंदों का हम एक कर लेंगे। अब चार फंदे बुनेंगे। देखिए, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे बुने, ऊन आगे किया और ये लास्ट वाला फंदा हमने बुन दिया। ये हमने 45 फंदे बुने। रॉन्ग साइड की तरफ है ये डिज़ाइन, हमारी रॉन्ग साइड से भी पड़ेगी। देखिए, अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। एक तो हमने जो लास्ट में बुना था और एक जाली वाला, इसे हमने उल्टा बुन लिया। अब ऊन को हम इस तरह से आगे ले जाएंगे। ये देखिए, आगे ले गए हैं। फिर हम चार फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए, एक दो तीन और ये चार, ये चार फंदों को हमने उल्टा बुना। अब देखिए, दो फंदों को, ये दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए, रॉन्ग साइड से चार फंदों के बाद हमने दो फंदों का एक किया। अभी देखिए, ये जो हमारा नेक्स्ट फंदा है ये उल्टा दिख रहा है, तो इसे हम आगे करेंगे। और देखिए, दो फंदों का हमने एक किया है तो हमारा राइट साइड की तरफ उल्टा आना चाहिए। तो ये देखिए, इसे हम सीधा बुनेंगे रॉन्ग साइड से सीधा। अब हम सात फंदे बुनेंगे, सीधा उल्टा फिर सीधा
फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। ये देखिए सात फंदे हो गए। ये देखिए यहाँ पे इस फंदे को हमने दो का एक किया था, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे हो गए। अब फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, उन पीछे करना है, दो फंदों का हमें एक करना है। तो कैसे करना है, हम पीछे की साइड से देखिए, पीछे की साइड से इस तरह से सिलाई को डाल के दो का एक करेंगे। देखिए ये देखिए, फिर अब देखिए चार फंदे उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने उल्टा बुने। अब हम यहाँ ऊन आगे की तरफ ले जाएंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए एक दो और ये तीन हो गया। फिर ऊन आगे ले जाएंगे, अब चार फंदे उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हो गए। ये हम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं जहाँ से हमने ये तीन फंदे उल्टे उल्टे बुने हैं उसके बाद से। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर दो फंदों का एक करना है, तो यहाँ पे तो हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, सात फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, फिर उन अपनी तरफ करेंगे। अब फिर हमें दो फंदों का एक करना है, तो देखिए दो फंदों को इस तरह से फैला लेंगे, इधर से इस तरह से, देखिए इस तरह से हम सिलाई को इंसर्ट करेंगे। देखिए ये आगे की तरफ से इस तरह से हम सिलाई को इंसर्ट करके एक करेंगे। फिर हम चार फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर उन आगे की तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे, देखिए एक और दो। अब हम नाइन्थ रो पे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम यहाँ जाली डाल रहे हैं एक फंदा, यहाँ तो फंदे बढ़ते जाएंगे और ये जो सेंटर वाले फंदे हैं ये फंदे हमारे घटते जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम तीन फंदे सीधा बुनेंगे, देखिए एक दो और ये जाली वाला इस तरह से बुन लेंगे तीन फंदे। फिर उन आगे करेंगे, चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे हमने बुने। फिर अगले फंदे को उतार के इस तरह सीधा करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे। दो का एक करने के बाद फिर हमें उल्टा बुनना है, देखिए राइट साइड पे उल्टा आना चाहिए। देखिए एक उल्टा, अब हम पांच फंदे बुनेंगे, दो तीन चार पांच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा, ये पैटर्न जो है जो हम बीच में डाल रहे हैं, ये उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा ये आना चाहिए। अब फिर हम पांच फंदों के बाद दो फंदों का एक करेंगे। फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर उन आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ से पांच फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये जाली वाला पांच, पांच फंदे हमने सीधे बुने। फिर उन आगे की तरफ चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार सीधे के बाद अगला फंदा उतारेंगे, इसे सीधा करेंगे और दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। देखिए फिर उन आगे एक उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर एक उल्टा, ये हमारे पांच फंदे हो गए। फिर उन पीछे करेंगे और दो फंदों को एक करेंगे। चार फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, ऊन आगे, जाली वाला पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, एक दो और तीन। ये हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हम टेंथ रो पर हैं। यहाँ पे हम चार फंदे उल्टा बुनेंगे, देखिए एक दो तीन और ये चार, जाली वाला चार, चार के बाद फिर उन आगे करेंगे, उन पीछे कर आगे करके चार फंदे उल्टा बुनेंगे, देखिए एक दो तीन चार, चार उल्टा बुना। फिर अब देखिए दो को हम एक करेंगे, फिर उन आगे की तरफ तीन फंदे बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा और फिर एक सीधा। फिर उन आगे करेंगे, अब दो फंदों को हम फिर एक करना है, तो दो को ऐसे थोड़ा सा फैला लेंगे और आगे की तरफ से दोनों में इस तरह से सुई डाल के, नीडल डाल के इसे इस तरह से बना लेंगे। फिर
चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार उल्टे फिर उन आगे। अब बीच में हमारे पास सात फंदे हैं, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात फंदे हैं दोनों जाली लेके। फिर उन आगे चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार, चार उल्टे फिर दो का एक करेंगे इस तरह से। फिर तीन फंदे बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा और फिर एक सीधा। फिर उन अपनी तरफ दो फंदों को इस तरह से फैला लेंगे और पीछे से अंदर की तरफ से इस तरह से दोनों का एक करेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर उन चार फंदे अपनी तरफ रखेंगे और चार फंदे से उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार। फिर उन आगे करेंगे और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। ये देखिए हमारी टेंथ रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए हमारी डिज़ाइन बन गई है और देखिए हमारा पैटर्न भी जो है जिगजैग स्टाइल में आना शुरू हो गया है। देखिए इलेवेंथ रो, अब देखिए यहाँ पे हम एक दो तीन चार और ये जाली वाला लेके पाँच, पांच फंदे हमने बुने। फिर उन आगे करेंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार सीधे। फिर अगले फंदे को उतार के सीधा करेंगे इस तरह से और दो फंदों का एक करेंगे। अब देखिए यहाँ बीच में एक ही फंदा बचेगा तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे और फिर उन पीछे करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे। ये देखिए अभी दोनों जहाँ हम फंदे घटा रहे थे बिल्कुल एक फंदा आ गया और यहाँ पे ये जो सेंटर के फंदे हैं वो नौ फंदे हो गए। याद कीजिए हमने यहाँ पे नौ फंदे बुने थे और यहाँ पर एक फंदा लिया था, तो अब यहाँ पे एक हो गया है, यहाँ पे नौ आ गया है। फिर हम चार फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर उन आगे। अब नौ फंदा हम सीधा बुनेंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ। देखिए हमने नौ फंदे सीधे बुन लिए, फिर उन आगे चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे। ऊन को उतार के ऐसे सीधा करेंगे फंदे को, फिर दो फंदों का एक करेंगे पीछे से, ऊन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे दो फंदों का एक करेंगे। फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार, चार सीधे। ऊन आगे पांच फंदे, एक दो तीन चार और ये पांच। ये देखिए ये इलेवन रो में हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से लास्ट रो है जिसे हमें उल्टा उल्टा बुनना है, तो इसे हम उल्टा उल्टा बुन के ट्वेल्थ रो कंप्लीट कर लेते हैं। ट्वेल्थ हमारी फिनिशिंग रो है। ये देखिए हमारी डिज़ाइन बन गई। अब फिर आप यहाँ से रो फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ही प्यारा पैटर्न है और देखिए बनने के बाद इसका लुक कैसा आता है, इस तरह से बनने का लुक इसका दिखाई देता है। तो इस डिज़ाइन को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।